आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार DLED एंड BED के लिए लेसन प्लान बताने वाले हैं जो कि हिंदी का है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले आपको जो है 20 से 25 लेसन प्लान जो है बता दिया गया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और सभी जो आपका लेसन प्लान है वो बेहतर तरीके से तैयार किया गया हुआ है, आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेगा। और कैसे बनाना है वो मैं रेगुलर आपको डेली बेसिस पर एक आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो ये सारी चीज़ें बैठ जाए और आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। ये पूरी तरह से बना बनाया है। और आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम हिंदी के जो है लेसन प्लान 8 के ऊपर बात करते हैं। ऑलरेडी हमने 7 लेसन प्लान हिंदी के बता दिया है, आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। और आपके फॉर्मेट जो है यही रहने वाले हैं, यह फॉर्मेट जो है सभी कॉलेज में होता है। और अगर आप यह फॉर्मेट पर बनाते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें सारे बिंदु पॉइंट को लिखा गया है। कितने सारे बच्चे होते हैं जो फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको नंबर जो है थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आपको फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो किसी तरह का, समझ रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यह लेसन प्लान जो है आपके जो DLED वाले स्टूडेंट है या जो BED वाले हैं, सभी के लिए सेम है। पहले यहाँ पर देखिएगा तो आपको ये लर्निंग प्लान दिख रहा होगा, लेसन प्लान इसी को बोलते हैं। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर आप आइएगा तो यहाँ पर आपको जो है प्रशिक्षु का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, सत्र लिखना है, फिर यहाँ पर आपको कक्षा लिखना है, बच्चों की अनुमानित संख्या, घंटी, अवधि, विषय इकाई और विषय वस्तु। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये विषय आपका हिंदी है, इकाई आपका 4 है यानी चैप्टर 4 है, और विषय वस्तु यहाँ पर क्या है आपका, तो नानी तेरी मोरनी, ये चैप्टर का नाम है जो कि क्लास 2 का है, समझ गए, नानी तेरी मोरनी जो कि चैप्टर का नाम है क्लास 2 है, क्लियर है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ACP प्रभारी व्याख्याता का नाम आप अपने यहाँ पर मेंटर टीचर का नाम लिख दीजिए, जहाँ जिनके अंतर्गत आप जो है ACP में है। अगला यहाँ पर है विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा, यानी विषय वस्तु पढ़ाने से पहले आपको पूर्व समीक्षा करना होता है। जैसे नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है तो अगर करना है तो यस कीजिएगा, नहीं करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। पिछले क्लास में विषय वस्तु का विस्तार करना है, यानी मान लीजिए कि पहले क्लास में आपने वो चैप्टर पढ़ाया लेकिन किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर आज वही चैप्टर आप पढ़ाना चाहते हैं, तब जाकर आप इसमें टिक कीजिएगा कि पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना, नहीं तो नई चैप्टर स्टार्ट करना है तो ऊपर वाले पर क्लिक कीजिएगा, समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे यहां पर देखिएगा, तो आगे यहां पर आप बोलेगा एक और यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा जो बोलेगा कि इस विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में उल्लेखित किन उद्देश्य बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह जो आपका विषय वस्तु है हिंदी का, यह जो है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्य बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है छात्रों में हिंदी कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मतलब कराना, यानी यह जो चैप्टर है नानी तेरी मोरनी क्या है आपका एक प्रकार का जो है कविता है, जो कि इसमें क्या करना है बच्चों को जो है हिंदी कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कराना है। अगला, छात्रों में कविता के भाव तथा उनके लय को ज्ञान कराना है, छात्रों में कविता को समझते हुए मजे के साथ पढ़ाने की क्षमता विकसित करना है। अगला, छात्र अपने परिवार रिश्तेदार दादा नानी नाना को जान पाएंगे, छात्र कविता में आए लय वाले शब्दों को पहचान पाएंगे, इसका यह क्या है विषय वस्तु का पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या यह विषय वस्तु पूर्वोत्तर कक्षाओं में पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर है, यह विषय वस्तु पूर्वोत्तर कक्षाओं में शामिल नहीं है, क्लियर हो गया। अगला है, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, तो नहीं, यानी यह जो प्रश्न है आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने इससे पहले जो है यह विषय वस्तु का मतलब अध्ययन किया है कहीं पर, तो नहीं, क्लियर है। अब आगे यहाँ बढ़िएगा तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषय और इकाइयों से जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर दिया गया है कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के अंग्रेजी विषय के लवली मून पाठ से जुड़ा हुआ है, यानी कि नानी तेरी मोरनी यह जो चैप्टर है इस कक्षा का क्लास 2 का जो है यह जो है किस अन्य विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आ गया इसका कि यह जो है आपके यह विषय वस्तु जो है कक्षा अंग्रेजी इसी क्लास के अंग्रेजी के लवली मून चैप्टर से जुड़ा हुआ है। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है, बहुत कम, थोड़ा बहुत, बहुत अधिक। अगर बहुत अधिक है तो बहुत अधिक में लगाइएगा, बहुत कम है तो इसमें लगाइएगा, थोड़ा बहुत है तो इसमें लगाइएगा, क्लियर हो गया।
अब आपको जो है बताना है कि जो विषय वस्तु है, मतलब कि नानी तेरी मोरनी उप विषय वस्तु है, उसका विवरण बताइए कि ये चैप्टर में आखिर क्या पढ़ना है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर, प्रस्तुत कविता नानी तेरी मोरनी बच्चों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। कुछ बच्चे इस कविता को कक्षा में पढ़ने से पहले ही याद कर लिए थे। यह कविता नानी तथा बच्चों के बीच संबंध पर है, जिसमें बच्चे कविता गाकर नानी को मनाने का प्रयास कर रहा है। यानी नानी तेरी मोरनी यह जो कविता है, यहाँ पर एक बच्चे और नानी की जो है, मतलब रूठी हुई नानी को मनाने का यह जो है प्रक्रिया है, जहाँ पर बच्चे जो है कविता गाकर जो है अपने रूठी हुई नानी को मनाने का प्रयास कर रहा है। तो यह जो है इसका सारांश हो गया आपका ये चैप्टर का। यह लिखने के बाद आपको आगे बढ़ना है, फिर आपका पॉइंट आ जाता है सीखने सिखाने की विधि। आप जो है यह चैप्टर को किस विधि के द्वारा बच्चों को बताइएगा, तो यहां पर देखिए सस्वर पठन रोल प्ले मेथड, यानी कि हम जो है सस्वर पठन गायन पठन के माध्यम से पढ़ाएंगे, साथ ही साथ जो है रोल प्ले मेथड भी करवा सकते हैं। एक लड़की को बुला लीजिए, एक लड़का को बुला लीजिए, एक को नानी बना दीजिए, एक को उनका नतनी बना दीजिए, नाती बना दीजिए, वो जो है मनाएगा नानी को, उस तरह करके वो गीत भी आएगा और आएगा भी, तो ये रोल प्ले हो जाएगा, इस तरह आपको बताना है। फिर यहां पर देखिएगा विधि और विधियों को क्यों चुना गया, यानी कि आपने सस्वर पठन और रोल प्ले मेथड को क्यों चुना, ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से समझ सके। अब यहां देखिएगा सस्वर वाचन, यह विधि प्राथमिक कक्षा में बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है, जिसमें गाकर कविता को बताया जा सके। रोल प्ले विधि, इसमें विद्यार्थी कविता के पात्रों को स्वयं अभिनय करेंगे और कविता का आनंद लेंगे, यानी खुद नानी बनेंगे, खुद जो है बच्चा बनेंगे और नानी को मनाने का प्रयास करेंगे, ये इसका हो जाएगा, समझ गए। अब यह होने के बाद जो है वर्ग व्यवस्था देखा जाता है कि वर्ग व्यवस्था कैसा है। तो यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी जो है अनुशासित शांत ढंग से बैठे थे, कक्षा में जो है सभी शिक्षण जो है अधिगम सामग्रियों चौक डस्टर इत्यादि पर्याप्त अवस्था में था। वर्ग कक्षा में पर्याप्त रोशनी थी, बच्चे सक्रिय पाठ को पढ़ने के लिए तैयार थे। कई तरीके होते हैं, बच्चे नहीं भी तैयार होते हैं वो भी आपको लिखना है, ये नहीं कि हमेशा आप पॉजिटिव में लिखिए, निगेटिव है तो निगेटिव भी लिख सकते हैं कि बच्चे शांति नहीं थे, मैं वहाँ गया उन बच्चों को शांत किया, तब जाकर जो है मैंने पाठ को प्रारंभ किया, समझ गए, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है आप योजना बनाइएगा, तो योजना में आपका सबसे पहले कला अवधि आता है, जो कि आपका माइक्रो टीचिंग में 36 मिनट का होता है, लेकिन हम लोग 40 मिनट को लेकर चलते हैं। यह योजना 40 मिनट का है, शुरुआत के 10 मिनट हम लोग पाठारंभ के लिए, 15 मिनट पाठ विस्तार के लिए, 5 मिनट वर्ग कार्य के लिए, फिर 5 मिनट सारांश के लिए, और अंतिम 5 मिनट में गृह कार्य के देकर जो है इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। आपका 40 मिनट हो गया, यानी कि आपको पहले प्री प्लान कर लेना है कि आपको 40 मिनट में कितना मिनट किस पर देना है, ताकि आप बेक अपनी घंटी में जो है पूरे कवर कर सके चैप्टर को, समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं, जब यह लिख लीजिएगा तो उसके बाद आपका विषय प्रवेश पाठारंभ आएगा। जब भी आप विषय पाठारंभ करेंगे, यानी विषय प्रवेश पाठारंभ की बात करेंगे, तो आपको यहाँ ध्यान देना है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि डायरेक्ट आपको पाठ का नाम नहीं बताना है, बल्कि आप प्रयास कीजिएगा कि बच्चे जो है इस पाठ का नाम बताने का प्रयास करिए, ताकि बच्चे से ही पाठ का नाम उगलवाएं और फिर बच्चों को पाठ पढ़ाएं। जैसे देखिएगा यहाँ पर पाठ का नाम, मतलब पाठ का नाम बोलने से पहले हम बच्चों का पूर्व अवलोकन करते हैं, ताकि बच्चे जो है क्या इसके बारे में जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, और तब जाकर जो हम लोग पाठारंभ करते हैं, पाठ का उद्देश्य बोलते हैं, कथन बोलते हैं, जो हमारा पाठ का नाम होता है, ताकि बच्चे को जो है बेहतर तरीके से समझ में आ सके, समझ गए। यहाँ ये हो गया, आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर देखिएगा शिक्षण प्रशिक्षण के कथन और छात्र कथन। यहाँ पर सवाल पूछा कि क्या आप लोग कभी चिड़ियाघर गए हैं, बच्चे ने बोला हाँ। फिर सवाल पूछा वह आपने मोर पक्षी देखा है, हाँ। फिर यहाँ देखिएगा क्या आप लोग दादी नाना नानी से कोई कहानी सुने हैं, हाँ। अब यहाँ देखिएगा अगर आपकी दादी नानी कभी गुस्सा हो जाए तो आप क्या करेंगे, समस्यात्मक, यानी कि बच्चा नहीं बता पाया कि अगर मेरी दादी और नानी गुस्सा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरा जो है क्या हो गया, उद्देश्य कथन मुझे मिल गया। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बच्चों आज हम लोग जो है नानी तेरी मोरनी कविता को पढ़ेंगे, बच्चे यहाँ पर नहीं बता पाए कि अगर मेरी नानी या दादी जो है रूठ जाएगी तो हम क्या करेंगे, कुछ बच्चे बता पाते हैं लेकिन आपको इसी तरह लिखकर आपको समस्या बताना। देखिए यहाँ पर चिड़ियाघर से रिलेट करते हुए हम लोग पाठ के नाम पर चले आए नानी तेरी मोरनी, नानी का भी जिक्र हो गया, मोर का भी जिक्र हो गया, चिड़िया के घर से माध्यम से ऐसे आपको बनाना है, ताकि बेहतर तरीके से आप बच्चों को समझा सके, समझ गए। आगे अब हम जो है विषय वस्तु विस्तार करेंगे। अब यहां पर देखिएगा यह आपका शिक्षण बिंदु है कि आपने क्या पढ़ाया। यहाँ पर आप जो है शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया है, फिर यहाँ पर छात्र क्रिया है, फिर यहाँ पर श्यामपट है। श्यामपट पर बड़े अक्षरों में नाम लिख दीजिए पाठ का, फिर यहाँ पर जो एक नानी का चित्र बना दीजिए, यहाँ पर मोर का चित्र बनाइए और एक बच्चा का चित्र बनाइए, ताकि बच्चों को रिलेट करके जो है बच्चों को बता पाएं। सबसे पहले हमने सस्वर वाचन किया, जिसमें शिक्षण प्रशिक्षु, मतलब कि शिक्षक प्रशिक्षु कविता का जो है सस्वर वाचन करेंगे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। विद्यार्थी अनुसरण वाचन करेंगे, यानी कि अनुकरण करेंगे, बच्चे जो है टीचर की बातों को सुनेंगे समझेंगे, ये हो गया। आगे यहाँ पर देखिएगा मोर पर चर्चा आप करेंगे कि शिक्षक प्रशिक्षु मोर के रंग पंख आवाज आवास उनकी आवाज के बारे में उनकी शिक्षार्थियों से बात करेंगे। छात्र बातचीत में संलग्न होंगे, यानी कि शामिल होंगे। अगला है कविता के सामान्य
लय वाले शब्द, यानी शिक्षण प्रशिक्षु छात्र को सामान्य लय वाले शब्द को ढूंढने को बताएंगे, छात्र सामान्य लय वाले शब्दों को पहचान करेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। अब जब चैप्टर को हमने पढ़ा दिया तो कुछ उनके तार्किक प्रश्न भी पूछेंगे ताकि बच्चे समझ पाए, मोर कहाँ रहता है तो जंगल में, मोर को कौन कौन ले गया तो चोर ले गया, मोर कितने खूब मतलब मोर को किसने खूब नचाया, जंगल के सरदार ने या जरकर जंगल के सरकार ने, नानी बच्चे ने नानी को क्या मांगते हैं तो पैसा, समझ गए। ये जो है प्रश्न है, इस तरह करने के बाद आपको चैप्टर खत्म हो गया। फिर यहाँ पर आपको सारांश बताना है, जैसे आपने चैप्टर को पढ़ा दिया पूरा, आपने व्याख्या बता दिया, तो अब सारांश बता दीजिए कि प्रस्तुत कविता नानी तेरी मोरनी में हमने देखा कि बच्चे कविता गाकर अपनी नानी को मनाने का प्रयास कर रही है, इसका सारांश हो गया। वर्ग कार्य में हमने बच्चों को जो है क्या दिया वो देखिएगा, कविता के आय सामान्य लय वाले शब्दों को लिखने के लिए बोला, यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पर आपका मेंटर का हस्ताक्षर हो जाएगा। ये होने के बाद आपको गृह कार्य देना है, अपनी नानी के बारे में लिखिए, विलोम शब्द बोलिए, काले मोटा सीधा जंगली, ये आपका बुक में दिया है इसको लिख लीजिए। फिर आपको जो है विद्यालय के व्याख्याता द्वारा योजना निर्माण में अनुमोदन, मान लें कि आपके इसमें कुछ गलती है तो यहाँ पर आपका व्याख्याता इसके बारे में लिख देंगे, इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर वर्ग पाठ समीक्षात्मक बिंदु, संबंधित दूसरे प्रशिक्षु द्वारा अवलोकन, प्रभारी व्याख्याता द्वारा, मेंटर शिक्षण द्वारा, अगर ये सब छोड़ दीजिएगा नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर समझ गए। अब इसके बाद आपका अंतिम ये लिखना होता है, शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन और सुझात्मक बिंदु, यानी कि आपने जब पाठ को पढ़ा दिया तो आप अपने आप को मूल्यांकन कीजिएगा कि कहाँ कमी रही कहाँ अच्छा रहा। तो यहाँ पर देखिएगा पहला यहाँ पर आ जाता है, क्या विद्यार्थी ने उस उद्देश्य को समझा जिसके लिए विषय वस्तु तैयार की गई थी, इसका मूल्यांकन किया गया, तो इसका उत्तर में देखिएगा हाँ, विद्यार्थी ने उद्देश्य को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु बनाई गई थी और इसका मूल्यांकन भी किया गया। अगला है, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों और क्यों नहीं, तो नहीं, इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चे जो है समझ गए थे। यह हो गया। आगे बढ़ना है, बच्चे के द्वारा पूछे गए सवालों को आपने कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों ने स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला, तो बच्चों के सवालों को मैंने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया और बच्चों को भी मौका दिया। अगला है, इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने के किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही, चौक डस्टर श्यामपट्ट पुस्तकें और चार्ट पेपर, यह सभी टीएलएम के माध्यम से बच्चों को जो है बेहतर तरीके से इस चैप्टर के शब्दार्थों को, इस चैप्टर के जो है भावों को समझाने का प्रयास किया, समझ गए। आगे यहाँ पर बढ़िएगा, तो इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या बदलाव करेंगे, तो इसका उत्तर है नहीं बदलाव करेंगे, मेरा सीखने सिखाने की प्रक्रिया लेसन प्लान बेहद अच्छा है, समझ गए। कोई अन्य टिप्पणी नो, यहाँ पर आपका जो है खत्म हो जाता है, द इंड, यानी कहने का मतलब है कि यह जो है आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है, टोटल आपका 6 पेज में कंप्लीट होता है। देखिएगा यह पूरा एक पेज आपका, दूसरा आपका यह दो पेज ये हो गया, तीसरा आपका ये तीन पेज के बाद ये चौथा आपका 4 पेज, फिर ये आपका 5वां पेज और फिर ये आपका लास्ट जो आपका अंतिम है ये 6ठा पेज, यानी 6 पेपर में आपका जो है एक लेसन प्लान कंप्लीट होगा। तो आपको टोटल जो है 75 बनाने हैं, तो 75 × 6 कीजिएगा, 6×5 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 42 यानी 450 बनना आपको लिखना पड़ेगा। टोटल 75 लेसन प्लान बनाने होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से 15 15, सारे सब्जेक्ट से बनाया मैं आपको लेसन प्लान दूंगा। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ओके, आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे, धन्यवाद।